बच्चों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बहुपद समझने से पहले, यानी पॉलिनोमियल समझने से पहले, उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उसको समझा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो ऐसा सिंबल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा सिंबल जो हमेशा फिक्स वैल्यू रखे, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे लिख दिया गया 5, 7, 8, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर 8x² लिखा हो तो x वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन 8 जो है वो 8 ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का ही मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें। ठीक है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो जो वैल्यू फिक्स्ड है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? तो नाम में छिपा हुआ वेरिएबल, जो वेरी करने के एबल, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लो कि x है, ये जो एक पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म में है? x के टर्म में है। तो यहाँ पे x की 2, 2 से ज़्यादा, 3, 4 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज आएंगी वो x की ही वैल्यू आएंगी, यानी x के ढेर सारे वैल्यूज आ रहे हैं। यानी x वैल्यू फिक्स नहीं रख रहा है, कुछ अलग अलग वैल्यू दे रहा है। ठीक है, वेरी करने के लिए एबल है। अभी जनरली मैं बात करूं, यहाँ पे देखो लिखा है x² + एक जनरल एग्जाम्पल जो सभी लोग लेते हैं, 5x + 6, लो ये लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो मैं x = पुट कर रहा हूँ -2। ठीक है, अब यहाँ पे -2 पुट करो तो -2² कितना आएगा? +4। सही बात है, लिखते हैं सिस्टमेटिक, देखो जरा। -2² + 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? -2 + 6। मैंने -2 को यहाँ पे पुट कर दिया, बताओ -2² कितना हो जाएगा? +4। 5 × 2 = 10, -10 + 6, बताओ ये 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 - 10, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई? 0। इसका मतलब है x = -2 इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक हल है। ठीक है, ये इसका एक आंसर बन गया, x की वैल्यू -2 एक आंसर तो आ गई। मान लो x = मैं -3 पुट करूँ, -3, ठीक है, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3² प्लस 5 ब्रैकेट में -3 + 6, बताओ -3² + 9 होगा, -2 + होता है। ठीक है, अगला 5 × 3 = 15, -6 9 और 6 कितना होता है? 15, -15, ओवरऑल आंसर कितना आया? 0। यानी कि ये जो x = -3 है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो बताओ x के कितने सोल्यूशन आ गए? 2। तो x = अगर कोई कहे भैया देखो इसका जो है x = 2 आंसर है, तो कहेंगे नहीं भैया यो सही है, x = -3 भी सही है। तो पॉलिनोमियल में जो वेरी करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो नहीं वेरी करता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, फिर समझते हैं कोफिशियंट क्या होता है। देखो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना ही है यहाँ पे, कोफिशियंट बाद में समझते हैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया नहीं है क्या होता है, ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो मल्टीप्लिकेशन है, x के आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है वही कहलाता है कोफिशियंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशियंट बोलते हैं। यानी यहाँ x³ का कोफिशियंट a3 है, x² का a2 है, x का a1 है, मतलब कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है? 5, तो कोफिशियंट ऑफ x, ये 5 जो है वो क्या है? कोफिशियंट ऑफ x है। x² का कोफिशियंट पूछे तो कितना है? इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। ठीक है, तो 1 जो हो जाएगा वो कोफिशियंट ऑफ x² बोला जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी बात अभी हम लोग जनरली करेंगे, पहले ये जो दिया है इसको समझते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखो जरा, कॉन्स्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में काफी ईजी होगा। देखो जरा, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा अगर जुड़े हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन लोगों से अगर रिलेटेड हैं तो यही कहलाता है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैं इरेज कर दूं, यहां पे देखो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी जनरल टर्म उठाओ कह दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो। बताओ 12 क्या है? कांस्टेंट है, x² इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिए, बताओ यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? यस, यहाँ x जो है वो क्या है? वेरिएबल, 12 क्या है? कांस्टेंट, इनके बीच में लगा क्या? मल्टीप्लाई, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई के द्वारा रिलेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर लिखना चाहो +5x + 1, अभी भी ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही होगा, सबकी डिफिनेशन अभी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? देखो तो
पॉलिनोमियल अभी पहचान हम लोग करना सीखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग पहुंचेंगे इक्वेशन पे, ठीक है। तो देखो जरा, इक्वेशन वर्ड निकला है इक्वेट से, इक्वेशन कहां से आया है, इक्वेट से। इक्वेट का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। मान लो कोई जनरली इक्वेशन, ये मैंने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर इसी के आगे मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दूं, जीरो रहे या इधर कुछ भी हो जाए, बस इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेट कर दिया मैंने, मैंने मतलब इस सारी वैल्यूज को जीरो से इक्वेट कर दिया, मतलब ये सारी वैल्यूज जीरो के बराबर हैं। अब ये सब डिपेंड करेंगी यक्स के ऊपर, यक्स जो वैल्यू देगा, कुछ ऐसी वैल्यू देना चाहिए जिससे ये जीरो आ जाए, ठीक है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि यक्स वेरिएबल है और यहाँ पे वैल्यू रखने पर ये जीरो आएगा, सेटिस्फाई करेगा और ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेट करते ही ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। कोई भी जनरल टर्म 2x + 1 इक्वल्स टू जीरो लगा दिए तो ये इक्वेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में इसको इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इक्वल्स टू जीरो दिया है तो वो क्या बनता है, इक्वेशन बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आगे समझते हैं। जरा देखिए, इक्वेशन के बाद आता है डिग्री, डिग्री ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन दिया क्योंकि वहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे एक जनरल पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो है वही उसकी डिग्री, यानी कि यहाँ पे n जो है लिख सकते हो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है। ये जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वही कहलाता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहा, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वही कहने का अभिप्राय है कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ, अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, इक्वेशन है तो इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो ये तो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर दिया तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब उसमें भी मैक्सिमम पावर तो यही रहने वाली है, तो यही एन जो है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, एन है, तो यही एन जो है यही कहलाएगा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अच्छी बात है, तो ये जनरल टर्म्स थे इससे रिलेटेड पॉलिनोमियल से। कांस्टेंट समझ में आ गया, जो वैल्यू फिक्स रहे उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कभी बदले नहीं। वेरिएबल मतलब वेरी करने के लिए, ये जो एबल है उसको वेरिएबल बोलते हैं, यानी जो अपनी अलग अलग वैल्यूज दे वो वेरिएबल है। कोफिशियंट क्या होता है, तो ये जो वेरिएबल है उसके आगे जो मल्टीप्लाई किया गया है जिस भी नंबर से, वही नंबर क्या कहलाते हैं, कोफिशियंट कहलाते हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो वही कहलाते हैं क्या, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब, ठीक है। अगला इक्वेशन क्या है, तो किसी भी जनरल एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो, इक्वल्स टू जीरो लिख दो या कोई भी वैल्यू लिख दो, इक्वल्स टू का साइन आते ही वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। इक्वेशन वर्ड इक्वेट से आया है। अगला क्या, डिग्री, डिग्री आप देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो जरा, जो एक्सप्रेशन है या फिर जो पॉलिनोमियल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। समझ में आ गया इतनी बात। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं थोड़े टर्म में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर दूं यहां से, ठीक है। तो ये सबकी डिफिनेशन हो चुकी है, ध्यान से देखिए। कांस्टेंट ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ए सिंबल व्हिच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। सारा आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, ये इतनी बात एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री का भी देखो लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स जो पॉलिनोमियल में यूज होने वाले हैं सबका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप लोग एकदम अच्छे से इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये जो जनरल है, अब इसके हिसाब से मैं थोड़ी सी बात अपने हिसाब से करूंगा, ध्यान से देखिए जरा। तो अब पॉलिनोमियल वही देखो समझते हैं, ठीक है। दो या दो से एक या एक भी टर्म का भी रहेगा तो भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, और एक से ज्यादा टर्म्स है तो भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ क्या, 7x³ + 6x² + 5x + 4। जनरली मैंने एक ऐसे पॉलिनोमियल, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि ज्यादा टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई के द्वारा फिर प्लस के द्वारा, मतलब आपस में रिलेटेड है। कहीं पर माइनस करना चाहो तो माइनस भी कर लो, लो सारा। अब डिवाइड कहीं लाना चाहो तो वहाँ 1/6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब समझिए, तो ये जो है, अब इसमें से अगर हमसे कहा जाए कांस्टेंट, देखो जरा, ये जो प्लस माइनस, प्लस यानी प्लस और माइनस के द्वारा जितने भी मल्टीप्लाई और डिवाइड को छोड़ करके प्लस माइनस के साथ जो भी क्वांटिटी सेपरेटेड है, जैसे यहाँ पे 7x³ है, 6x² है, तो ये दोनों प्लस के द्वारा सेपरेटेड है, यहाँ माइनस के द्वारा 5x है और यहाँ 4 है, तो इन सब को सिंपली बोला जाता है क्या, टर्म्स। ये लोग क्या बोले जाएंगे, टर्म्स बोले जाएंगे। सब लोग चारों क्या है, टर्म्स हैं,
ठीक है। तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, चार टर्म्स हैं, ठीक है। तो यही कहे जाते हैं टर्म, प्लस और माइनस के द्वारा जो भी सेपरेटेड होते हैं वही कहलाते हैं टर्म्स, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में प्लस माइनस के द्वारा जो सेपरेटेड होते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स, ठीक है। अब देखो जरा, ये पहला वाला जो है इसमें यक्स, अब देखो यहां पे अगर कहा जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन, एक्स, यहां पे यक्स क्या है, वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, 2 भी तो है पर मैक्सिमम कितनी है 3, तो ये जो 3 है ये कहलाएगा क्या, डिग्री ऑफ क्या, पॉलिनोमियल, तो ये बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे 7 को क्या बोलेंगे, 7 को, 7 इज नोन एज कोफिशियंट, लेकिन किसका, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये भी याद रखना, सिर्फ कोफिशियंट बोलने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशियंट है, 6 किसका कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का, तो 6 को लिखा जाएगा क्या, कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही है, ये एक्स क्यूब का कोफिशियंट, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ठीक है। ये जो 4 है, 4 को सिंपली क्या, देखो टर्म तो है क्योंकि प्लस के द्वारा सेपरेटेड है तो टर्म तो बनेगा, लेकिन कौन सा टर्म है, तो ये है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर बताओ इसके साथ भी x होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, बस क्या है कि x की पावर 0 है जिसकी वजह से उसको लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो यही इतनी सारी बातें हैं। और हाँ याद रखना, जो मैक्सिमम पावर वाला है इसके साथ का जो कोफिशियंट होता है उसको लीडिंग कोफिशियंट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लीड कर रहा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े वाले को देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ही पढ़ते हैं, सबसे पहले बड़ा ऑर्डर, फिर उससे छोटा वाला, फिर ऐसे, ठीक है। यानी क्या, सबसे हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले, उसके बाद सबसे उससे कम वाली, फिर उससे कम, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशियंट, जो कोफिशियंट सबसे आगे रहता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम पावर वाले के सामने वाला जो कोफिशियंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशियंट, ठीक है, क्योंकि लीड कर रहा है, नेता एकदम दमदार चलता है एकदम आगे, अलग बात है कि थोड़ा उस टाइप का ना हो, डरपोक, ठीक है, थोड़ा दमदार रहेगा तो हमेशा आगे ही चलेगा। तो यही कहने का मतलब है, ये 7 जो है वो क्या है, लीडिंग कोफिशियंट है, लीडर है, ठीक है। तो यही इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। तो ये तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, टर्म समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म, कोफिशियंट समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गई है। अब समझो जरा, अब हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल थोड़ी ना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा पर पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर सिर्फ देखो क्या, कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं तो एक्सप्रेशन तो बन जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन है। देखिए जरा क्या होती है, तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ऐसे एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट है थोड़ा सा, कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं सब पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उल्टा हो गया, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सब क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कंडीशन होता है ना, उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो जरा समझते हैं क्या होता है, देखो जब हम लोग, ये तो पता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 6x² + 5x + 1 इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, इस तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए। लेकिन यहां पर जो ये जो वेरिएबल है, कौन है ये वेरिएबल, ठीक है, इसकी जो पावर होती है यानी डिग्री होती है, उस डिग्री में हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, वरना उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया है, वेरिएबल के अलावा, वेरिएबल के पावर में अगर उसके अलावा कोई और नंबर आ गया, जैसे मान लो होल नंबर नहीं आकर के माइनस में कोई नंबर आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। होल नंबर को अगर हम लोग जाएँ तो एक नाम और दे सकते हैं, क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर, सही है। देखो जब कभी नंबर लाइन, मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को याद हो तो, बीच में क्या होता है 0, 1, 2, 3, इधर में क्या होता है -1, -2, -3, तो ये जो 0 होता है वो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है,
ठीक है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, ना इधर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ऐसे बोल सकते हैं ठीक है। तो ये जीरो जो है वो नॉन निगेटिव या नॉन पॉजिटिव होता है ठीक है। तो अगर कहा जाए नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी वे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो ठीक है, जैसे ये लोग हैं ये निगेटिव हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी इधर वाले जो पॉजिटिव वाले में नॉन निगेटिव बोला जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, क्योंकि 0 जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है ठीक है। तो नॉन निगेटिव बोलेंगे तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे होल नंबर ही तो एक्चुअली हो रही है बात, नॉन निगेटिव का अभिप्राय किससे है, होल नंबर से ही तो है, उसी से तो रिलेट है। तो ये होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर बात एक ही है ठीक है। या फिर नॉन पॉजिटिव अगर कहा जाए, तो जो लोग पॉजिटिव ना हो तो ये नॉन पॉजिटिव भी है, तब भी 0, -1, -2, -3 लिया जाएगा ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे होल नंबर को हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं ठीक है। अच्छी बात है, अब समझते हैं जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी 0, 1, 2, 3, या सिंपली बोलूं होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल बनेगा, वरना पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो कुछ मैं इससे एग्जांपल दे रहा हूं, जरा आप लोग पहचान के बताइए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं ठीक है। देखो पहले सबसे बेसिक सा 2, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले ही मैंने ट्रिक मार दिया कि ये है तो यानी कि 2 जो है ये पॉलिनोमियल है, हाँ बताइए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी। अगर मैं इसको जनरली यक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए क्या 2 × x^0, और यक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 2 × 1 = 2 आया वही। तो इस 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 × x^0, तो डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्चुअली क्या बोली जाती है, डिग्री बोली जाती है। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई 0, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज क्या, कांस्टेंट टर्म ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट टर्म ठीक है। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म को अगर कहा जाए कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वो कितने का होगा, 0 का ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्स की पावर 0 ही होता है ठीक। अच्छी बात है, अब देखो जरा ये पॉलिनोमियल है एक्चुअली, भले ही कांस्टेंट टर्म है पर वो भी पॉलिनोमियल है। अगला अगर मान लो 2x, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, प्लस 1 कर दिए तो भी यहाँ एक्स की पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगला √2x² + 5x + √4x² करते हैं लो, और अच्छा सा 4x + 5x + 7 ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न है छोटा सा, ये जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कमेंट करके बताइए, ऐसे सुनाई थोड़ी दे रहा है ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5x + 7 ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कितनी 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि होल नंबर है ऑब्वियसली है, तो ये भी क्या हो गया एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ पावर स्क्वायर भी तो है, 4 का बाहर निकलेगा 2x² का बाहर आएगा x ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बताइए कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म ना, गलत जवाब, 3 टर्म नहीं है यहाँ पे, 2 टर्म है, कैसे 5 और 2 को ऐड भी तो करेंगे 7x + 7 ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स आए 2, प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेटेड है, तुम ये देख के बोल रहे हो गलत बात है, यहाँ x^1, x^1 दोनों सेम डिग्री वाले हैं तो जुड़ जाएंगे ठीक है। तो 5 और 2 = 7x + 7, अभी बताऊंगा एडिशन सब्सट्रैक्शन की, मतलब कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे जुड़ते हैं, या फिर कह सकते हो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो अभी देखा जाएगा फिलहाल। लेकिन इतना याद रखो कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ +7, यहाँ कितने टर्म हुए 2 टर्म ठीक है। तो इतनी सी बात हुई, तो अगला पॉलिनोमियल जरा पहचान के दिखाइए, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये 7x² + 8x + 2 / x, लो यहां x क्यूब कर देता हूं ठीक है। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यहां x की पावर, अगर x को ऊपर लेके जाओगे, यहां x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, परंतु है, क्यों, क्योंकि ऊपर पहले चेक करेंगे कहीं कट पिट तो नहीं रहा है, तो यहां से x कॉमन ले लिया जाए जरा एक बार, तो x कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x², इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर 7 + 7x, और प्लस x कॉमन हो चुका है तो सिर्फ बचेगा 8, इतने के बाद यहां पे मैंने x को क्या कर लिया कॉमन, देखो जरा x का मल्टीप्लाई कराओगे तो x * 7x, 7x² + 8x, तो यहां पे हो गया 2x² और x कितना हो जाएगा 2x³, तो सारी वैल्यू सारी क्वांटिटी वही आ रही है, इसका मतलब सही है। और डिनोमिनेटर में भी क्या था, x था ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है x है, तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या 2x² + 7x + 8, जो कि एकदम 100% प्योर वाला
पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि चिल्ला चिल्ला कह रहा है भैया हम पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, समझिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। रूट के अंदर आ गया ना, तो पहले क्या करेंगे, ये जो अंदर लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग चेक चेंज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में, जरा चेक करिए हो सकता है क्या, बिल्कुल ये टू का स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ करा जाएगा, ध्यान से देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फोर को लिख देंगे टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में क्या हो गया एक्स प्लस टू, बी की जगह पर टू है ना, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, पेयर में है तो एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सीधे सीधे बचेगा एक्स प्लस टू, एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू ये बचा। अब ये जो है इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, एक, वन, जो कि क्या है होल नंबर है, या फिर कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी और भी टफ क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे पॉलिनोमियल पहचानने वाले, और भी देख लीजिए जरा एक दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार के देखो, क्या ये अंडर रूट में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स एक्स प्लस सेवन, ठीक, तो यहां पर बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, होगा ना कि नहीं होगा, जो भी हो आप लोगों के हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे रूट फाइव रूट सिक्स ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ रूट लगा हुआ है, ना कि वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल एकदम फ्री है इन सब चीज़ों से, तो वेरिएबल देखा जाता है, तो एक्स की पावर वन टू और कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स यानी वेरिएबल की पावर है इसको मत देख के देखने के बोल देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो कांस्टेंट के साथ लगा हुआ है रूट, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर टू है मैक्सिमम और यहाँ पे वन है, मतलब कि कहीं पे भी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव, मतलब कि नॉन पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन या डेसिमल कुछ और नहीं आ रहा है, सिंपली क्या आ रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर कह सकते हो सिंपली होल नंबर, तो होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर टू वन, कितनी डिग्री इसकी है, टू डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कही जाती है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, टू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है, अब की बार आप लोगों ने सही बताया है, ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स। अभी यहाँ क्या है कि एक्स जो है सबको डिवाइड तो कर देगा लेकिन वहाँ फोर के अपॉन में है, यहाँ तो एक्स से एक्स कटोगे तो कितना आएगा, सिक्स एक्स प्लस सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा बचेगा फाइव, या फोर एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो एक्स की पावर यहाँ वन है, ऊपर जा करके क्या हो जाता है माइनस वन, एक्सपोनेंट में पढ़े होगे, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, तो सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस फोर एक्स की पावर माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया, नॉन निगेटिव नहीं आया, या फिर कह सकते हो होल नंबर नहीं आया, माइनस वन होल नंबर थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और समझते हैं जल्दी से, अगर मान लो कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, स्क्वायर रूट में एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स क्यूब, बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, यहाँ पे रूट में एक्स आ गया, यानी रूट की वैल्यू अगर मैं एक्सपोनेंट में तुम लोगों को याद हो तो इसको मैंने बताया था वन अपॉइंट टू होता है, और यहाँ सिक्स एक्स स्क्वायर सेवन एक्स क्यूब, बताओ पावर में क्या हो गया, वन अपॉइंट टू यानी जीरो पॉइंट फाइव, यानी ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, और फ्रैक्शन में आ गया तो वो तो हमारा पॉलिनोमियल बनने वाला नहीं है, ठीक है, अगर हाँ इक्वेशन होता, एक मैं बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ कुछ ऐसा लिखा है एक्स की पावर स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन इक्वेशन बना दिए तो ये इक्वेशन जरूर होगा, क्या करेंगे वन को उधर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के एक्स इक्वल टू माइनस वन, उसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो बनेगा, यहाँ पे निगेटिव जो पावर डिग्री में रूट है रूट हट जाता है वो इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ बस पॉलिनोमियल का केस पढ़ना होता है, ऐसा ना सोचना कि इक्वेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको सीखना पड़ेगा, वहाँ पे भी जानना पड़ेगा कि ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेशन में नहीं देखेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में डिग्री होल नंबर ही होनी चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं, तो यहाँ पे होल नंबर नहीं आया इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, और कुछ देखते हैं जरा पावर में थोड़ा सा डेसिमल उसमें लगा करके स्क्वायर रूट दे करके देखते हैं, देखो एक्स की पावर जीरो पॉइंट फाइव
प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब ये जनरली क्या है, देखो एक्स की पावर 0.5, 5 का मतलब 0.5 का मतलब 1.2, डेसिमल में आ गया, सिंपली ऐसे ही कहो डेसिमल में आ गया, तो होल नंबर है नहीं, होल नंबर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ एक चीज़ और देखो, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में एक्स की पावर 0.5, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, जनरली अपने मर्जी से ऐसे बनाते चल रहे हैं, ठीक है चेक करके देख लीजिए क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। देखो x की पावर 1/2 को लिख सकते हो 0.5 अपॉन x की पावर 0.5 प्लस 3, अब देखो x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, सही है 2 × 2 प्लस 1 3/2, ठीक है यहाँ पे x की पावर 0.5 सेपरेट कर दिया मैंने इसको दोनों के साथ, अब यहाँ पे ये कैंसिल होकर कितना हो गया 1 प्लस, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो x अपॉन x इंटू x की पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम होने पर डिग्री क्या होती है ऐड होती है, तो यहाँ पे बेस सेम होने की डिग्री ऐड किया गया था, अभी सेपरेट मैंने कर दिया, यहाँ पे x की पावर 0.5 यानी कि लिख सकते हो 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ये पूरा इसे कैंसिल, तो क्या बचा x, यानी हमारा पूरा आंसर कितना है x प्लस 1, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ ये मत देखना यहाँ 0.5 यहाँ 1/2 दिया, यहाँ 3/2, यहाँ पे भी डेसिमल, अरे एक बार काट के तो देखो, मतलब कैंसिल तो करके देखो, ठीक है। अब तो ये x प्लस 1 आ गया अपना आंसर, ठीक है, जो भी दोनों में कैंसिल कटापिटी हो रही थी कट पिट दिया, उसके बाद आंसर आया x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, समझ में आ रही है बात। ओके तो हमको पॉलिनोमियल पहचानना एकदम भली भांति आ गया है, सही बात है, पॉलिनोमियल को अगर पहचान करने के लिए दिया जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जरा समझते हैं। देखो इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है, देखो यहीं से मैं खींच के लेके आ रहा हूं नीचे तक, देखो ठीक, ये रहा दो टाइप के। अब देखो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, अगला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर और टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया, कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो जरा समझते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले डिग्री के बेस पर, देखो पहला नंबर, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी। दूसरा नंबर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको जनरली अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन बनाना है लीनियर इक्वेशन तो इक्वल टू 0 कर दो, यहां पे भी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अभी जल्दी पढ़ोगे टेंथ में जाओगे जब तब। अभी देखो तीसरा नंबर यह आएगा क्या, क्यूबिक, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको कैसे लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सब टर्म को एकदम जनरल वाला लिख रहा हूं, ठीक है। और लास्ट फोर्थ वाला जो बनेगा उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर, मैंने बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हो गया उसका जनरल पॉलिनोमियल, ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। अब देखो जरा जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया है ए एक्स प्लस 1, अब बताओ इसको लीनियर क्यों बोला जाता है, एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, इसको लीनियर क्यों बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो जरा देख लीजिए, इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब डिग्री 1 होती है, जैसे 2x प्लस 1 है तो इसको अगर इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 2x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू आएगी माइनस 1/2, एक सिंगल वैल्यू दिया है, अब उसी पॉइंट से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही उसका एक ग्राफ होता है, ठीक है। तो जब कभी भी लिनियर पॉलिनोमियल का
ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से इसको लिनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। ए एक्स प्लस वन को अगर मतलब देखा जाए डिग्री में, मतलब वन है तो इसको लिनियर बोला जाता है। लिनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इसी के बाद वाला पढ़ोगे तो नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पढ़ोगे वो टेंथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल दो रहेंगे लेकिन दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए, वन, तभी वो स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए हो जाता है क्योंकि डिग्री वन होने की वजह से ग्राफ अकेला एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाले का देखो जरा, तो यहाँ पे लीनियर पॉलीनोमियल का जरा अब एक बात बताओ, यहाँ पे बी अगर जीरो हो गया, जैसे मान लो इसका फॉर्मेट अगर लिखना चाहो तो 2x भी लिख सकते हो या 2x प्लस 1 भी लिख सकते हो, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाले में क्या लिख सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 या फिर 5x स्क्वायर प्लस 6, ये भी सही है, ठीक है, या फिर 5x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 2, 2x, ठीक है, ऐसा ये भी लिख सकते हो, या सिंपली लिख दो क्या 6x स्क्वायर, लो कुछ भी ना हो, ठीक है, सब कुछ मतलब कि यहाँ से 5x गायब कर दो, सिर्फ इतना लिखो तब भी वो पॉलिनोमियल बनेगा, यहाँ से 1 गायब कर दो, कांस्टेंट टर्म को गायब कर दो तो भी हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, सब कुछ गायब कर दो लेकिन यही पहला वाला टर्म x स्क्वायर को छोड़ करके सब कुछ गायब कर दो तभी वो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या है, ये जो a है इसमें भी सब में चारों में a जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये a जीरो हो गया तो ये तो पूरा टर्म में लेके जीरो हो गया, निपट लेगा, तो सिर्फ बनेगा क्या लिनियर बचेगा, और यही हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यहाँ अगर क्वाड्रेटिक का a जीरो हो गया यानी पहला टर्म जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो गया तो एक कम डिग्री वाला बनेगा यानी लिनियर बन जाएगा, अगर क्यूबिक का a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया पूरा, यहाँ a जीरो हो गया तो क्यूबिक आ जाएगा, एक टर्म पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी लोग जीरो हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहला टर्म यानी a शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सारी बातें मैं इरेज करके सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कॉमा a शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी लिखूंगा क्या a शुड नॉट इक्वल टू जीरो, a शुड नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। a जीरो होते ही क्या हो जाएगा, डिग्री कम हो जाएगी, तुरंत ये क्यूबिक से कहाँ चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में कूद आएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है a जीरो नहीं होना चाहिए, ये चार हो गए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो लिनियर पॉलिनोमियल है इसके सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन आते हैं, कितना सोल्यूशन आता है लिनियर पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। अब इसी सोल्यूशन को ही बोला जाता है, जो सोल्यूशन निकल के आता है उसी सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जीरोज, जीरो बोलते हैं जीरोज, तो मतलब जब ज्यादा हो जाते हैं तो जीरोज बोला जाता है, तो ओनली वन जीरो, ठीक है। इसके कितने जीरो आएंगे, जीरो आएंगे, वन जीरो आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक के कितने सोल्यूशन आएंगे, तो टू सोल्यूशंस, टू सोल्यूशन, मतलब कि यक्स की जो वैल्यू होगी वो दो आएगी, और दो सोल्यूशन आएंगे तो उसके जीरोस कितने होंगे, टू जीरोस हो जाएंगे, तो ठीक है, सोल्यूशन का मतलब ये होता है जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे टू जीरोस आएंगे। क्यूबिक के कितने सोल्यूशन आएंगे, तीन सोल्यूशन आएंगे, जितनी डिग्री उतना सोल्यूशन, याद रखना। अगर यंथ डिग्री का कोई इक्वेशन है तो उसके कितने सोल्यूशन आएंगे, यन सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। यंथ डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके यन सोल्यूशन आएंगे। इक्वेशन में कहो तो भी वही बात है, मतलब दोनों एक ही है, बस क्या है इक्वेट का ही, इक्वेशन में क्या इक्वल टू का साइन का बस अंतर है, ठीक है, बाकी सब पॉलिनोमियल ही इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसी के आगे इक्वेशन बनाना है तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन आता है उसको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। अभी वही इक्वेशन रहता है उसका जो सोल्यूशन आता है उसको रूट्स बोलते हैं, तो वहाँ रूट्स ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, यहाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वहाँ रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे कभी कभार कहीं पर लिखा रहता है कि मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की जगह रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख देता है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं, बात वही है, सेम है, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं। तो अगर क्यूबिक है तो कितने सोल्यूशन, तीन, हाँ, और बाई क्वाड्रेटिक है तो चार, सही है, ठीक है। जितनी डिग्री उतने सोल्यूशन। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस क्या होता है, देखो अब चार थ्योरी के बाद अगर जाएगा तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम हम नहीं होता है, सीधे उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर, फाइव, फोर तक गया तो बाई क्वाड्रेटिक नाम, स्पेसिफिक नाम है, देखो लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सिक्स, सेवन डिग्री का होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेवन, उसके बाद ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाएगा। अगला क्या है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, देखो जरा, अगर पहला लिखे तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा लिखा 6x³, 7x² 5x,
वन, इस टाइप का कॉमा लगा है बीच में, यानी सेपरेटेड है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म है, इक्कीस टर्म है उसमें, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस के साथ जब सेपरेट होता है तब उसको टर्म बोला जाता है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस प्लस के साथ सेपरेट नहीं है, तो एक का टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे इलेवंथ में, थ्योरम देखो बोलते हैं, टी लिख दिया मैं इसको, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, दो टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 6x² + 1 या 2x³ + 2x, यहाँ पे 6x³ 6x⁸ + 1, कुछ भी, मतलब बस दो टर्म होना चाहिए, बाकी कोई जीरो हो जाए, दो टर्म होने चाहिए टोटल, ठीक है। एक और देखो, 6x³ + 5x³, बताओ सही है गलत है, वो दोनों का डिग्री सेम है तो तुरंत ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x 6 5 11 11x³, ठीक है। तो 6 5 11x³ आ गया, ये जो है मोनोमियल में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो याद रखना। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल, तीन टर्म, ट्राइनोमियल, इसी से तो बना है पॉलीनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, उससे ज़्यादा बढ़ता है तुरंत उसको पॉलीनोमियल बोलते हैं, बहुत सारे टर्म, बहु पद, ठीक है। तो ट्राइनोमियल अगर ऐसा लिखा, 7x³ + 6x² + 2, बताओ तीन टर्म है ना इसमें, तो ये ट्राइनोमियल बनेगा। अगला, 8x³ + 7x² + 5x², बताओ ट्राइनोमियल है कि नहीं, नहीं है, सही बात है। 7 5 12 12x², ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 8x³ + 12x² ये यहाँ पर आ जाएगा, 8x³ + 12x² ये तो बाइनोमियल आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 5x कर दूँ, अब ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो जितने टर्म उतना वैसा नाम, ठीक है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्लियर हो गया। एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। इसके बाद वाले अगर आ रहे हैं चार या पाँच, इसके बाद वाले अगर आ रहे हैं चार पाँच से ज़्यादा डिग्री मतलब टर्म वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरली उसको पॉलीनोमियल बोल दिया जाता है। पॉली माने बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स आगे पॉलीनोमियल बोल दिया जाता है जनरली, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यहाँ पे क्या हो गया, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा चार टाइप का ये हो गया और चार टाइप का हो गया, समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छी तरीके से। तो ये इतनी बातें क्लियर हैं, इसके बाद का, इसके बाद की सारी बातें जो कुछ भी हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तीन चार वीडियो आएगा इसका भी, इस चैप्टर का भी, पूरी तरीके से हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लोगों को भी बनाते रहेंगे तो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। क्लास 9 से लेकर के BSc तक के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, क्लास 9th और 10th का ऑल सब्जेक्ट्स रहेगा, 11th 12th BSc के जो टॉपिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैथ का रहेगा, उसको यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिलेगा। थोड़ा धीरे धीरे अभी बन रहा है, आगे चल के स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे इसमें बनाने की, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और थोड़ा सा इधर उधर शेयर भी करेंगे, तो क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा रिकमेंडेशन ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे वीडियो, कमेंट भी आएगा तो फिर समझ में आएगा कि किस पे ज़्यादा जल्दी बनाना चाहिए, किस पे बाद में बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए किस किस टॉपिक को ज़्यादा टफ लगता है, उसको मैं इजी करके फिर ट्राई करूँगा कि अच्छे से आप लोगों के सामने आए, ठीक है। तो पॉलीनोमियल का आई होप इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है।